रेडी 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 एकदम रेडी। अस्सलाम वालेकुम हबीबी। जैसे कि अगर आपको टीएमसी प्रॉपर्टी लेनी हो महारेरा अप्रूव्ड फ्रॉम उमरा स्टेशन टू शिलफाटा, तो आपको पेमेंट करना होगा 1% पेमेंट प्लान पे आप फ्लैट बाय कर सकते हो, जिसमें आपका डाउन पेमेंट एक होता है। डाउन पेमेंट देने के बाद एवरी मंथ का आप 1% पेमेंट प्लान पे फ्लैट खरीद सकते हो। हमारे जवान ने जैसे आपको बताया कि आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए अगर संपर्क ना हो सके तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, हमारे मेंबर टीम मेंबर से या हमारे मैनेजर से मिलिए, बात करिए, इंशाल्लाह इस ऑफर का बेनिफिट उठाएं। आज घर से बेघर कर रहे हम लोग, मेरा घर इतना आलीशान बनाई थी मैंने। मतलब बिल्डर हो, टीएमसी हो या एप्लीकेंट हो, सबने एडमिट किया है कि ये इलीगल बिल्डिंग है। 4.5 लाख रुपए खर्चा की थी मैंने, कोई भी पुनर्वसन नहीं, बिल्डर ने फंसा। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। शील डायगर की हद में भोलेनाथ नगर में आज मनपा प्रशासन दल बल के साथ पहुंची और अनम पैलेस नामक 8 मंजिला इमारत पर हाई कोर्ट के आदेश पर इसे तोड़ा जा रहा है। मनपा अधिकारी ने बताया कि इमारत में रहने वाले लोगों को पहले ही नोटिस दे दिया गया था और अब इस इमारत को तोड़ने का काम शुरू किया गया है। इमारत में रहने वाले परिवार रोते बिलखते हुए इस दौरान नजर आए। जानकारी के अनुसार कुछ ही साल पहले ये इमारत बनाई गई थी, इसमें करीब 45 से 48 परिवार रहते थे। बताया जा रहा है कि इस इमारत को लेकर विवाद चल रहा था और ये विवाद जो है कोर्ट तक पहुंच गया और कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई करते हुए इमारत को तोड़ने का आदेश दिया, जिसके बाद मनपा अधिकारी महेश आहिर, मनीष जोशी आज सुबह के वक्त अनम पैलेस इमारत को खाली कराना शुरू किया। डीसीपी गणेश गावड़े, एसीपी विलास शिंदे, डायघर पुलिस इस मौके पर मौजूद रही। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया था और इमारत को खाली कराया गया। हालांकि इमारत में रहने वाले कई लोग जो है दरवाज़ा बंद कर लिए, मगर किसी तरह से दरवाज़ा खुलवा कर इस 8 मंजिला इमारत को खाली कराया गया। इमारत की दीवारों को अंदर से जो है तोड़ा जा रहा है और इसके अलावा अनम पैलेस के बगल में ही एक और इमारत बनाई जा रही थी और इस इमारत को भी तोड़ा जा रहा है। इस दोनों इमारत को तोड़ने का काम आज दीवा प्रभाग समिति की तरफ से किया जा रहा है और भोलेनाथ नगर में सुरक्षा के लिहाज से बड़ा पुलिस का बंदोबस्त भी लगाया गया है। हालांकि इमारत खाली कराया गया, उसे तोड़ने का काम शुरू किया गया है। बेघर हुए लोग इस दौरान रोते बिलखते नजर आए, क्या कुछ इसमें रहने वाले लोगों ने कहा और इस पूरे मामले की जानकारी मनपा अधिकारी मनीष जोशी ने भी दी है, आपको सुनाते हैं। किनारा सामान घर से हम लोग को आज भगा रहे हैं, आज घर से बेघर कर रहे हम लोग को। सुन सकती है, मेरा घर इतना आलीशान बनाई थी मैंने, कितने फ्लोर पे रहते हैं? बोले दरवाजा मत खोलो, 5 माले पे रहती है अनम बिल्डिंग में। कितने का लिया था आपने घर? 18 लाख में घर ली थी, 4.5 लाख रुपए खर्चा की थी मैंने घर बना के, पूरा घर में नया सामान ली थी मैंने। आपको ये पहले खाली करने के लिए बोला गया था? बोले थे नोटिस भी दिए थे, पर बोला बिल्डर नहीं टूटेगा, तुम रहो नहीं टूटेगा। बिल्डर ने ये बोला हम लोग को, बिल्डर ने फंसाया, बिल्डर ने फंसाया, घर से भगा रहे, उतरो मत, पुलिस अट्री नहीं है। अरे हटने नहीं दो ना भाई, पुलिस अहमद अंकल, पुलिस अट्री नहीं, डंडे चल रही, हम लोग इतने बेइज्जत है, मार खाएंगे पुलिस का। चल तू चल। आज मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश के हिसाब से सुभाष वास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ऐसी ये केस मुंबई उच्च न्यायालय में थी। मुंबई उच्च न्यायालय का जो आदेश है वो ऐसा है, ये जो अमन पैलेस है, ये G+8 बिल्डिंग, ये जो इलीगल बिल्डिंग है, तो इस इलीगल बिल्डिंग में एक जो फ्लैट है 709, क्योंकि 709 के ऑक्यूपेंट वो मुंबई उच्च न्यायालय में मूव हुए थे, तो 709 को प्रोटेक्शन देते हुए बाकी की जो बिल्डिंग है उस पर कोई स्टे नहीं होने की वजह से आज की कार्रवाई थाने महानगर पालिका और थाने पुलिस
के संयुक्त विद्यमान से हमने आज कार्रवाई शुरू कर दी। सर नोटिस दी गई थी क्या लोगों को? देखिए अगर आप हाईकोर्ट का ऑर्डर आपने आप देखेंगे तो उसमें तो ऐसे क्लियर कट लिखा है, क्योंकि उसमें जितने भी पार्टी हैं, मतलब बिल्डर हो, टीएमसी हो या एप्लीकेंट हो, सब ने एडमिट किया है कि ये इल्लीगल बिल्डिंग है, और शुरू में 260 की जो नोटिस है वो दी गई। सर पेटिशन फाइल तो 9 बिल्डिंगों में भी की गई थी, आपको भी पता है हाई कोर्ट का ही ऑर्डर था, वो बिल्डिंग तो अभी तक कोई डेमोलेशन नहीं हुई है, बिल्डिंग डेमोलेशन हो रही है। देखिए वो जो 9 बिल्डिंग का जो अलग केस है, तो उससे तो आप इस केस में मिक्स मत। डेमोलेशन तो उसका भी ऑर्डर आया था ना? नहीं नहीं, जो 9 बिल्डिंग के केस में उसमें ऑर्डर ऐसी आई है कि वो जो 9 बिल्डिंग के जो ऑक्यूपेंट्स हैं वो जो नए डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स हैं टाउन प्लानिंग के, उसके हिसाब से वो टीएमसी के जो शहर विकास विभाग है वहाँ वो अपनी बिल्डिंग को रेगुलराइज करने के लिए उन्हें मुद्दत दी गई है, और इसीलिए उन बिल्डिंगों पे कार्रवाई नहीं हुई। सर डेमोलिशन की यही बिल्डिंग का ऑर्डर आया है क्या? डेमोलिशन में 2 बिल्डिंगों का ऑर्डर आया है। हाँ, एक तो ये जो ऑनगोइंग बिल्डिंग है और दूसरी ये अमन पैलेस है, क्योंकि जो पिटिशनर है उसने ये 2 बिल्डिंगों के बारे में लिखा। नहीं उसमें बोल रहे हैं 138 सर्वे नंबर पे किया है। पूरा तो बोलने, तो आप पहले ही बोल रहे हो। 2 बिल्डिंग का नाम भी है। तो जो शुरुआत तो ऐसी हुई, पिटिशनर जो थे उन्होंने यही 2 बिल्डिंगों को लेके अपनी कंप्लेंट करी हाईकोर्ट में, लेकिन बाद में मुंबई उच्च न्यायालय ने ऐसा आदेश दिया कि जो सर्वे नंबर 138/3 की जो बिल्डिंग्स हैं उसका भी रिपोर्ट हमें दीजिए, और इसीलिए टीएमसी की तरफ से जो टीएलआर है उसकी मोजनी शुरू हो गई है, और जो 138/3 का जो एरिया है उसे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और आइडेंटिफिकेशन के बाद मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश के हिसाब से उन पर भी कार्रवाई होगी। सर जो इतने लोग बेघर हुए अब उनका कोई पुनर्वसन होगा या उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? देखिए कैसा है कि पुनर्वसन की पॉलिसी टीएमसी की है, लेकिन वो सिर्फ प्रकल्प बाधित के लिए, तो ये कोई प्रोजेक्ट अफेक्टेड नहीं है, इसलिए इनका कोई भी पुनर्वसन नहीं है। सर इनके जो रहने का जो सामान है जो एमएमएलई में भेजा जा रहा है तो उनको ये सामान कब मिलेगा? नहीं अरे वो तो अभी ले ले, कुछ लोग हमें ऐसे बोल रहे हैं कि भाई हमें सामान रखने के लिए जगह नहीं है, इसीलिए टीएमसी ने एमएमएलई में जो हमारा कौसा स्टेडियम है वहाँ एक जगह करके रखी हुई है कि जब तक उनकी व्यवस्था नहीं होती इसीलिए उनका सामान हम वहाँ सेफ लॉकिंग में रखते हैं। ये 8 माले की बिल्डिंग बन गई है, अभी तक तो कार्रवाई का कुछ हुआ नहीं था, लेकिन अभी क्यों कार्रवाई की जा रही है, अभी क्यों पिटीशन फाइल हुआ था? अब पिटीशन क्यों फाइल हुआ तो जिसने पिटीशन फाइल किया उससे पूछो ना। तो इसमें दोषी मोहरा में कम से कम 200 इल्लीगल बिल्डिंगें बनी है सर, तो मानपा अनुमति नहीं दे रही, लेकिन मानपा के जो अधिकारी लोग अनुमति दे रहे सर, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे सर? इसके अलावा भी तो बहुत सारी अनलीगल बिल्डिंग है सर, 200 बिल्डिंगें उसमें तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसा है कि इल्लीगल बिल्डिंग पे कार्रवाई की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस शुरू है और उस प्रोसेस के तहत आज इस बिल्डिंग पे कार्रवाई हो रही है सर। वो प्रोसेस कंटिन्यू रहे, प्रोसेस होने तक सर, प्रोसेस होने तक बिल्डिंग पूरी तैयार हो जाती है। मैं आपको एक क्लियर बात बोलता हूँ, ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये विदाउट इन्फॉर्मेशन आप बोल रहे हैं। मैं आपके सामने ना पूरा रिकॉर्ड शेयर कर सकता हूँ कि पिछले 10 दिनों में रीवा में कितनी कार्रवाई हुई, कलवा में कितनी कार्रवाई हुई, वो तो दिखावे की कार्रवाई हुई है रीवा प्रभाग समिति में। अभी कैसा है कि दिखावे की हुई है या सीरियस कार्रवाई हुई है, दैट कैन बी डिबेटेड सर। मामूली कार्रवाई होती है, नाम के लिए लोग कदम उठाते चले जाते हैं ना सर, हमारे पास तो सब होने की वाला सर। आपने भी सर्वे किया होगा रीवा प्रभाग में भी, अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं दिखावे की कार्रवाई हुई है, आप हमें उस चीज़ से इन्फॉर्मेशन दे रही हो, पूरी कार्रवाई सर, डेली ट्वीट आ रहा है सर। सर 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 आपने एक सर्वे किया था 8 दिन पहले, सर 8 दिन पहले आपने सर्वे किया था, आपके सर्वे के हिसाब से पता लगा कि कार्रवाई हुई है।